morning, everybody. Myself, Mithilesh Kumar, lecturer in Mechanical Department at Pakur Polytechnic, Pakur. I am taking the subject Theory of Machine, and the chapter name is Power Transmission. So, now topic is the belt drive. Belt drive, that is also known as the flexible machine element. So, what is belt or belt drive? Belt क्या है? Belt drive क्या होता है? उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ. तो उसका definition हम ऐसे बना सकते हैं कि it is used to transmit power from one shaft to other shaft with help of pulley which rotate at same speed or different speed. मतलब belt का जो काम होता है mainly पावर को ट्रांसमिट करना है एक पुली से दूसरे पुली में. तो बेल्ट का मेन वर्क होता है एक पुली से दूसरे पुली में पावर ट्रांसमिट करना या फिर ड्राइवर से ड्रिवन में पावर ट्रांसमिट करना मेन यूज होता है इसका. तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में और छोटे छोटे यूनिट में भी होते हैं. तो इसका यूज होता है, मेन एप्लीकेशन में आते हैं. तो यूज इन कन्वेयर सिस्टम, इंडस्ट्री में जो होता है वो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में बेल्ट यूज होता है जिसका लेंथ बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, विड्थ भी ज़्यादा होता है, उससे मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस या फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन. तो ये कन्वेयर सिस्टम का पार्ट हो गया. ऐसे ही यूज होता है पावर ट्रांसमिशन, ऐसे ही और यूज करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक पुली से दूसरे पुली में. सपोज ये एक पुली हो गया, दूसरा पुली हो गया, तो ये पुली रोटेट होगा, ड्राइवर रोटेट होगा, एक ड्राइवर होगा, दूसरा डिफेंड होगा, ये रोटेट होगा, ये इसको रोटेट करेगा विद द हेल्प ऑफ बेल्ट. तो पावर ट्रांसमिट हो रहा है इस पुली से इस पुली में. ओके, ठीक. इसके बाद अब पावर ट्रांसमिशन में कुछ फैक्टर होते हैं, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर में आते हैं. पावर ट्रांसमिशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बेल्ट. पहला पॉइंट ये होता है कि बेल्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. दूसरा होता है टेंशन अंडर विच बेल्ट प्लेस्ड ऑन द पुली, मतलब उस बेल्ट में कितना टेंशन है उस पे डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिशन. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्क ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन बेल्ट एंड स्मॉल पुली. और लास्ट कंडीशन है कंडीशन अंडर विच बेल्ट इज यूज, मतलब बेल्ट हम चेन यूज किए, रोप यूज किए, क्या यूज करें उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पुली हो गया, तो इसका रोटेशन अगर ये ड्राइवर है, सपोज ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, ड्रिवन है, तो रोटेशन, ये रोटेशन हो रहा है ड्राइवर का मतलब क्लॉक वाइज, तो इसका भी क्लॉक वाइज होगा और ये पोर्शन जो आ जाएगा ये टाइट साइड, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लैक साइड. ठीक है, तो यहाँ जो बात कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, तो ये बेल्ट कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. दूसरा फैक्टर हो गया टेंशन अंडर बेल्ट प्लेस्ड ऑन द पुली, बेल्ट में जो टेंशन है उस पर डिपेंड करेगा पावर ट्रांसमिशन. तीसरा है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्मॉलर पुली एंड बेल्ट. ये स्मॉलर पुली है यहाँ पे, तो ये आर्क कॉन्टेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क कॉन्टेक्ट है उस पर भी डिपेंड करेगा. और चौथा पॉइंट है कंडीशन अंडर व्हिच बेल्ट इज यूज, मतलब चेन, बेल्ट, रोप जो यूज करें उस पर भी डिपेंड करता है. सो नाउ कम टू द पॉइंट टाइप ऑफ बेल्ट. तो टाइप ऑफ बेल्ट में आता है पहला है फ्लैट बेल्ट, दूसरा है बी बेल्ट, राउंड बेल्ट, टर्निंग बेल्ट.
फर्स्ट वन इज द फ्लैट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट जो हुआ उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है थिकनेस की कंपेयर में, और ये बेल्ट यूज होता है 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए दो पुली के बीच का। द डिस्टेंस बिटवीन टू पुली शुड बी लेस देन 8 मीटर। अगर 8 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बेंडिंग इन द बेल्ट। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम में बताया गया है कि कैसे बेंड हो जाता है। ये पोर्शन स्लैक पोर्शन है, ये टाइट पोर्शन है, और टाइट पोर्शन में ऐसा बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो पावर ट्रांसमिशन पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए हम 8 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं रखते हैं, मतलब डिस्टेंस जो है दो पुली के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ज़्यादा होने से ये बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। और फ्लैट बेल्ट जो है इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है, इंडस्ट्री फैक्ट्री वर्कशॉप, बिकॉज इस ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन पुली टू अदर पुली और ड्राइवर टू डिफरेंट पुली, पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री और वर्कशॉप में भी यूज होता है। नेक्स्ट है तो आपका वी बेल्ट। वी बेल्ट का डायग्राम देखिए, ये इसका क्रॉस सेक्शन भी होता है, मतलब इस टाइप का। तो अगर ये पुली है उसमें बेल्ट, इस बेल्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिख रहा है। वी बेल्ट, वी बेल्ट यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर दो पुली के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर से कम होता है और डी लेस देन 2 मीटर। 2 से ज़्यादा होने पे हम फ्लैट बेल्ट यूज करेंगे, 2 से कम होने पे हम वी बेल्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राउंड बेल्ट। राउंड बेल्ट को ही बोलते हैं सर्कुलर बेल्ट। राउंड बेल्ट ही सर्कुलर बेल्ट होता है, वो वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर डिस्टेंस दो पुली के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर से ज़्यादा होता है। और ये डायग्राम आपका हो गया, अगर ये पुली डायग्राम दिखाया गया है, इस पे बेल्ट का ये क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाया गया है। तो राउंड बेल्ट या सर्कुलर बेल्ट, दैट मीन्स वहाँ पर रोप यूज करते हैं ज़्यादा डिस्टेंस होने से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट। टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट में पहला हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव, पहला पॉइंट हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव। इसमें ये डायग्राम में आइए, ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है, और ड्राइवर का रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ड्रिवन पुली मतलब फॉलोअर पुली जो है वो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ड्राइवर पुली क्या होता है और ड्रिवन पुली क्या होता है। तो जो पुली मोटर से अटैच होते हैं या फिर जो डायरेक्ट पावर सप्लाई करते हैं या जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई करते हैं दूसरे पुली में, उस पुली को बोलते हैं ड्राइवर पुली। तो इस डायग्राम में ड्राइवर पुली ये हो गया और ड्रिवन ये हो गया। तो ये ड्राइवर पुली से पावर ट्रांसमिट होता है बेल्ट में, और बेल्ट ट्रांसमिट करता है ड्रिवन पुली को। इस तरह से पावर ट्रांसमिशन होता है वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट। यहाँ पर एक शाफ्ट होगा, सपोज ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में ये पुली लगा हुआ है और दूसरा शाफ्ट में ये पुली लगा हुआ है। ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे करके तो ये भी इसी सेम डायरेक्शन में घूमेगा इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। अब देखिए टाइट साइड और स्लैक साइड क्या होता है। तो बहुत बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है कि ऊपर वाला स्लैक नीचे वाला टाइट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मेन कंसेप्ट पे आइए, मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि
पहले हमको ये डिसाइड करना है कि ड्राइवर कौन है, ड्रिवेन कौन है। तो जो पावर ट्रांसफर करता है बेल्ट को, ये हो गया ड्राइवर, और बेल्ट जिस पुली को ट्रांसफर करता है वो पुली हो जाएगा ड्रिवेन। तो यहाँ पे ये ड्राइवर, ये ड्रिवेन हो गया। ओके, अब ये ड्राइवर का रोटेशन क्लॉकवाइज है और बेल्ट इस टाइप से आ रहे हैं, तो ये पोर्शन टाइट पोर्शन होगा, मतलब टाइट बेल्ट पोर्शन पोर्शन। तो इनकमिंग बेल्ट जो होता है ड्राइवर पुली में वो हमेशा टाइट होता है, और आउटगोइंग बेल्ट जो होता है बेल्ट पोर्शन ड्राइवर का वो बनाएगा स्लैक साइड। दूसरे वर्ड में ऐसे हम बोलेंगे कि टाइट साइड में टेंशन अगर एफबीटी दिखाएंगे, एफबीटी फोर्स एफबीटी दिखाएंगे, तो यहाँ टी वन यहाँ टी टू दिखाएंगे, तो ये टेंशन ज्यादा होगा, ये टेंशन कम होगा। तो टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होगा और स्लैक साइड में टेंशन कम होगा। अगर यहाँ एफबीटी दिखाते हैं तो यहाँ इसमें टी वन आएगा, इसमें टी टू आएगा, तो यहाँ पे टी वन ग्रेटर देन टी टू ऐसा केस होगा। मतलब टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होगा और स्लैक साइड में टेंशन कम होगा। ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा इस टाइप का, तो फ्रिक्शन प्लस टी टू इक्वल टू टी वन होगा, इसलिए टी वन ज्यादा होता है। आगे हम फिर बात करेंगे टेंशन के बारे में। ओके, तो यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है, तो ये डायग्राम आपका फ्रंट व्यू है। सेम डायग्राम को यहाँ फिर से बनाया है टॉप व्यू करके। टॉप व्यू का डायग्राम ऐसा बनेगा, ये शाफ्ट दिख रहा है, शाफ्ट का रोटेशन होगा सेम रोटेशन क्लॉकवाइज, और ये पुली है, वैसा ही ये ड्राइवर पुली हो गया और ये ड्रिवन पुली हो गया, और यहाँ भी एक शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट दिखा कि ये शाफ्ट हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा टाइप आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है। बेल्ट का अरेंजमेंट इस टाइप से किया जाता है, इसका अपर पोर्शन का बेल्ट इसके लोअर पोर्शन से पास करेगा और इसका अपर पोर्शन इसके लोअर पोर्शन में जाएगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इसमें क्या होता है, ड्राइवर पुली का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन पुली का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये बेल्ट ड्राइव वहां यूज करते हैं जहां पे हमें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का मोशन चाहिए, वहां हम यूज करते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो इसमें इसका मोशन क्लॉकवाइज है तो इसका मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अपोजिट। और यहाँ पर अगर इसका ये पुली ड्राइवर है, तो अभी मैंने बताया था कि इनकमिंग बेल्ट जो है, इनकमिंग बेल्ट इन ड्राइवर पुली वही टाइट साइड बनेगा, जो रिलीज कर रहा है ड्राइवर से वो स्लैक साइड बनेगा, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेल्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ वियर इन बेल्ट, मतलब बेल्ट घसीट रहा है, तो वहाँ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन होने से भी हमें लॉस है, तो इस पर बात पर ध्यान रखिए, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेयरिंग हो रहा है। ओके, तो इसमें हो गया क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में जो होगा, चार पुली या चार से ज्यादा पुली हो सकता है, तो यहाँ जो हम पेयर बनाया है, चार पुली का पेयर बनाया है जिसमें दो ड्राइवर दो ड्रिवेन है, तो ये पुली नंबर वन, पुली नंबर टू, पुली नंबर थ्री, पुली नंबर फोर, ऐसा नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट पुली ड्राइवर हुआ, सेकेंड पुली ड्रिवेन हो जाएगा, फिर थर्ड पुली ड्राइवर है, फोर्थ पुली ड्रिवेन होगा।
यही डायग्राम फिर से बनाया, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो ये फर्स्ट पुली ड्राइवर हो गया, ये सेकंड पुली ड्रिवन हो गया, ये थर्ड पुली ड्राइवर हुआ, ये फोर्थ पुली ड्रिवन हुआ। तो यहाँ पर पुली टू और थ्री सेम शाफ्ट पे फिक्स है, तो इसका आरपीएम टू का और थ्री का दोनों का सेम आरपीएम होगा। ये यहाँ क्लियर नहीं है, डायग्राम क्लियर है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर सेम शाफ्ट पे दो पुली लगा हुआ है, तो एक ड्रिवन बनेगा जो पावर ले रहा है, ये इसको दिया, फिर ये पुलिस पे ट्रांसफर करेगा, तो ये ड्राइवर बनेगा इसके लिए। ठीक, तो फाइनली यहाँ पे क्या है, दो ड्राइवर और दो ड्रिवन का पेयर बना हुआ है। तो इस डायग्राम में ये देखा जा रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये बराबर भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, चारों पुली का डायरेक्शन यहाँ सेम हो रहा है। तो पावर ट्रांसमिशन वन पुली से टू में हो रहा है और टू से थ्री में, बिकॉज जितना आरपीएम टू का होगा उतना ही थ्री का होगा, जितना आरपीएम यहाँ देखिए टू का होगा उतना ही थ्री का होगा, और थ्री रोटेट करेगा फोर को। ठीक, तो यहाँ पर दो ड्राइवर दो ड्रिवन है, यहाँ पर ये टैप साइड होगा, ये सिलेक्ट साइड होगा, फिर यहाँ पर ये टैप साइड होगा, ये सिलेक्ट साइड होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वार्टर टर्न बेल्ट, नाम सही किया है। तो इसका डायग्राम बहुत थ्री डी डायग्राम है, ये एक्सिस है वर्टिकल और इस पे व्हील लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले लिया है। तो बोलने का मतलब ये है, ये क्वार्टर टर्न बेल्ट पुली वहां यूज होता है जहां पे दो शाफ्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए 90 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा, इसमें से एक ड्राइवर होगा दूसरा ड्रिवन होगा, तो वहां यूज होता है जहां पे दो शाफ्ट का बीच का एंगल 90 बनता है, एंगल बिटवीन टू शाफ्ट विल बी 90 डिग्री, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्वार्टर टर्न बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है बेल्ट दो पुली के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां बेल्ट यूज किए, जैसे बेल्ट कन्वेयर होता है प्लांट समय इंडस्ट्री में समय यूज होता है, तो मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक मटेरियल ट्रांसफर करना पड़ता है, तो काफी डिस्टेंस हो जाता है, मोर देन 8 और 20 मीटर डिस्टेंस हो जाता है, तो उससे भी ज्यादा होता है कभी कभी, बेल्ट कन्वेयर का लेंथ तो बहुत ज्यादा होता है, आगे आप देखिएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, बेंडिंग होने से बेल्ट ऐसे निकलेगा, तो बेल्ट ऐसे मूव करेगा, तो उसका पावर ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पुली लगाते हैं बेल्ट को टाइट करने के लिए। तो इसका यही काम है कि बेल्ट से टच है, बेल्ट ऐसे बेंड ना हो जाए, उसको टाइट रखने के लिए हम आइडलर पुली लगाते हैं, यही आपका हो गया आइडलर पुली। यहाँ पे एक ड्राइवर एक ड्रिवन होगा, सपोज ये ड्राइवर है तो ये ड्रिवन हो जाएगा, ये इंडस्ट्री समय यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, मतलब रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली। तो उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली। दो पुली के बीच का जो वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे उसी रेशियो को हम बोलेंगे वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। ओके, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं, सपोज ये एक बेल्ट ड्राइव है,
इसमें ये ड्राइवर पुली है, दूसरा क्या है ड्रिवन पुली है। इसका डायमीटर ड्राइवर का D1, इसका डायमीटर D2 मान लिया है। ये इसका रोटेशन जो है सपोज N1 है और इसका रोटेशन N2 है। तो यहाँ पर हम रोटेशन लिख दिए हैं। लेट D1 इज द डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली, D2 इज द डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली, N1 इज द स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली। स्पीड को हम यहाँ RPM लिखे हैं, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब होता है पुली एक मिनट में कितना बार रोटेट करता है। तो जितना रोटेशन होगा एक मिनट में उसी को बोलेंगे RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हम स्पीड यहाँ लिखे हैं, N1 इज द स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली RPM में है। सिमिलरली N2 इज द स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली, वो भी RPM में है, स्पीड RPM में है 1 मिनट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बेल्ट इससे पास कर रहा है, जो बेल्ट इससे पास कर रहा है वही बेल्ट पास कर रहा है। तो हम बेल्ट के अकॉर्डिंग हम लेंथ या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उससे हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ बेल्ट पासेस थ्रू ड्राइवर पुली इन 1 मिनट, मतलब एक मिनट में जितना बेल्ट पास करता है ड्राइवर पुली से वो लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार रोटेशन करेगा तो उसका होता है 2πr, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ द व्हील कितना होता है 2πr या πd, डायमीटर में बोलेंगे πd। तो एक रोटेशन में कितना होगा πd, तो एक रोटेशन मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में πd लेंथ बेल्ट पास करेगा। और इसका रोटेशन N1 दिया हुआ है, ड्राइवर कितना है N1 रोटेशन दिया हुआ है, तो कितना बेल्ट पास करेगा πd1 N1 बेल्ट N1 से मल्टीप्लाई कर दिए हम, ये πd1 में N1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 मिनट में जो बेल्ट पास होता है उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया πd1 N1 इज द लेंथ पासेस थ्रू ड्राइवर पुली। ओके, सिमिलरली लेंथ ऑफ बेल्ट पासेस थ्रू ड्रिवेन, यानी फॉलोअर जो है ड्रिवेन जो है उससे कितना बेल्ट पास करेगा एक मिनट में। तो वही सेम फॉर्मूला है πd2 एक रोटेशन के लिए, उसमें हम N2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये हो गया πd2 N2। ओके, अब जितना बेल्ट ड्राइवर से पास कर रहा है उतना ही बेल्ट ड्रिवन से पास कर रहा है, बिकॉज वी नो लेंथ ऑफ द बेल्ट इज कांस्टेंट। बेल्ट का लेंथ एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, सेम होता है। तो जितना बेल्ट यहां से पास हो रहा है उतना बेल्ट ड्रिवन से भी पास होगा। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं ये बेल्ट का लेंथ, ये बेल्ट का लेंथ एक मिनट में जो पास हो रहा है दोनों बराबर होगा। तो πd1 N1 इक्वल टू πd2 N2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा लिख दिए। अब πd कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d1 N1 इक्वल टू d2 N2। ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी में इसको ऐसा लिखे N1 by N2 इक्वल टू हो जाएगा d2 by d1। एक रिलेशन ऐसा भी सकता है, बस चेंज किए हैं, L2 को इधर लिख दिए हैं और D1 को इधर दे दिए हैं। तो फाइनली क्या होगा N1 by N2
equal to d2 by d1 means ratio of speed of driver and driven equal to ये हो जाएगा diameter of d2 d2 the driven diameter of driven divided by diameter of driver. तो यही सिंपल याद रखना है n1 by n2 equal to d2 by d1 मतलब जस्ट उल्टा दिखने में उल्टा लग रहा है बस सही है ऐसे ही होता है ठीक ओके इसी में अगर हम बेल्ट की थिकनेस की बात करें तो बेल्ट का थिकनेस टी हो बेल्ट का थिकनेस टी हो इफ थिकनेस ऑफ बेल्ट इज टी देन फॉर्मूला हो जाएगा n1 by n2 equal to d2 plus t divided by cap d1 plus t फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला है बस हमने डायमीटर को रिप्लेस कर दिया मतलब d2 को रिप्लेस किया d2 plus t और d1 के बदले लिख दिया d1 plus t ये समझ में आई क्लियर है तो सिंपल है ये जो है कुछ बच्चे के दिमाग में चलता है d2 plus 2t क्यों नहीं हो रहा है उसके माइंड में ऐसा भी चलता है तो यहाँ हम बता देते हैं अगर डायमीटर सपोज ये है पुली का डी इज द डायमीटर और बेल्ट का थिकनेस अगर ये बेल्ट का थिकनेस टी है बेल्ट का थिकनेस टी तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बहुत लोग यहाँ से यहाँ काउंट करते हैं नहीं ये इफेक्टिव डायमीटर यहाँ से काउंट होगा ये इफेक्टिव डायमीटर ये हो गया ये गैप जो है गैप ये टी बाई टू काउंट होगा यहाँ से और ये जो गैप है ये टी बाय टू काउंट होगा तो फाइनली इफेक्टिव डाया जो होगा डी प्लस टी बाय टू प्लस टी बाय टू इतना ही काउंट होगा इफेक्टिव यहाँ हाफ लेंगे यहाँ हाफ लेंगे तो फाइनली कितना होगा डी प्लस टी तो ऐसे ही काउंट होता है इसलिए हमने क्या किया डायमीटर को d2 को d2 plus t कर दिया और d1 को d1 plus t कर दिया बस सिंपल है ठीक ओके अब इसी में इन केस ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्रैग इन केस ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्रैग अगर ऐसा हो उस केस में क्या करेंगे तो एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल डायग्राम है पुली वन पुली टू देखिए यहां पर ध्यान से सपोज ये पुली वन है और ये है पुली टू और ये पुली को नाम दीजिए पुली थ्री इस तरह का डायग्राम बनाए थे यहाँ पर पुली वन पुली टू ये पुली थ्री ये पुली फोर ठीक है तो ऐसे इसका नाम भी होगा इसका डायमीटर जो होगा ये तो संचिला d1 इज डायमीटर n1 इज द आरपीएम इट्स आरपीएम इसका भी लेता हूं d2 इज द डायमीटर एंड n2 इज द स्पीड इन आरपीएम इसका लेता हूं 3 वाला का d3 इज डायमीटर एंड स्पीड ले रहा हूं m3 ये फोर्थ का ले रहा हूं d4 इज द
diameter and what is the speed. ठीक है, डायग्राम क्लियर है. यहाँ पे चार क्या केस लिए हैं, दो ड्राइवर है, दो ड्रिवन है. ओके, अब देखिए बहुत इजी है. कंपाउंड रैकेट से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेलवे का हो, एसएससी जेई हो, जो भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. इस पर ध्यान रखिए आप लोग. देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पुली वन से पावर ट्रांसफर हो रहा है पुली टू में. ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पहला जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस एन वन बाई एन टू इक्वल टू वहां लिखे थे, यहाँ पर यहाँ पर लिखे हुए थे एन वन बाई एन टू इक्वल टू डी टू बाई डी वन. उसी अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं एन वन बाय एन टू इक्वल टू डी टू बाय डी वन. ठीक है, केस क्लियर. ओके, दिस एम्प्लाय इसी को चेंज कर रहा हूं तो आपका हो जाएगा डी वन बाय डी टू इक्वल टू एन टू बाय एन वन. बस फॉर्म बदल दिए हैं, इसका नाम दे दिया इक्वेशन वन. ये बात समझ में आया ना, सेम फॉर्मूला है एन वन बाय एन टू इक्वल टू डी टू बाय डी वन लिखिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए. मतलब डी वन बाय डी टू हम कर रहे हैं, डी वन बाय डी टू इक्वल टू एन वन बाय एन टू, मतलब डी वन बाय डी टू इक्वल टू एन टू बाय एन वन, बस चेंज कर दिए. ठीक है, तो ये हो गया. मतलब वन से टू ट्रांसफर हो रहा है इसलिए मैं ऐसा लिख दिया. अब थ्री से फोर ट्रांसफर कर रहे हैं, थ्री से फोर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पुली थ्री टू फोर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला. डायमीटर से डायमीटर डायट लिखना है, डायट लिखना तो कितना हो जाएगा, ये डी थ्री बाय डी फोर इक्वल टू एन एन फोर बाय एन थ्री. ठीक है, ये इक्वेशन दो हो गया. ठीक है, नाउ इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है. हम डायरेक्टली लिखते हैं डी वन बाय डी टू इंटू डी थ्री बाय डी फोर इक्वल टू, ये हो जाएगा एन टू बाय एन वन इंटू एन फोर बाय एन थ्री. ठीक है, ओके. अब देखिए ये पुली टू और थ्री दोनों सेम शाफ्ट पे है, क्या है, सेम शाफ्ट पे है. अगर सेम शाफ्ट पे है तो उसका आरपीएम जो यहाँ पर होगा, दोनों सेम शाफ्ट पे है मतलब रोटेशन दोनों का सेम होगा बिकॉज सेम एक्सिस पे है, सेम शाफ्ट पे है, तो एन टू इक्वल टू एन थ्री ये अप्लाई कर देंगे. तो एज पुली कौन सा, पुली टू एंड थ्री आर ऑन
सेम साफ सो एन टू इक्वल टू एन थ्री, दोनों का स्पीड सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, अगर ये दोनों सेम होगा तो एन टू एन थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक समझ में आ रहा है ना, एन टू एन थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसको उसको कैंसिल कर देंगे हम, तो ये क्या हो गया d1 into d3 divided by d4 into d2, sorry d2, d2 into d4 equal to क्या रहेगा m4 by n1, ये एक रिलेशन हुआ, ऐसे लिखिए या फिर इसको उलट पलट कर सकते हैं, जैसे लिखना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं n1 by m4 इक्वल टू ये हो जाएगा डी टू इंटू डी फोर डिवाइड बाय क्या हो गया डी टू इंटू डी फोर डिवाइड बाय डी वन इंटू डी थ्री यही हो गया, हो गया यही मतलब n1 में n4 इंटू d2 इंटू d4 डिवाइड बाय d1 टू d3, मतलब यहाँ पे एक कंक्लूजन समझना है आपको कि रेशियो ऑफ मतलब n1 n2 का n1 n4 का रेशियो निकाल रहे हैं, n1 n1 यहाँ है n4 यहाँ है, इसका रेशियो जो होगा वो आपको d2 के डायमीटर और d4 के डायमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे d1 d3 से, इसका मतलब ये हुआ D2 और D4 ध्यान देने की बात है, D2 और D4 जो है वो आपका क्या हो गया डिफरेंट हो गया, और ये किसका डायमीटर हो गया ड्राइवर का डायमीटर, तो इसको हम लाइन में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा ये डिफरेंट हो गया, ऊपर में डिफरेंट का प्रोडक्ट है नीचे में प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ पिस्टन ड्राइवर, ठीक तो कंक्लूजन क्या निकला एन वन बाय एन फोर इक्वल टू सब डायमीटर को प्रोडक्ट करना है, जो जो यहाँ पर ड्रिवेन है सबको प्रोडक्ट करके और डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है रेलवे में हमेशा आता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए डायरेक्ट इसका आंसर बस 20 सेकंड में आंसर निकलेगा, ये अच्छा ट्रिक है, अगर थिकनेस कंसीडर करते हैं इसी में इफ टी इज द थिकनेस देन इसी का फॉर्मूला हो जाएगा एन वन बाय एन फोर इक्वल टू डी टू प्लस टी इंटू d4 plus t divided by d1 plus t into d3 plus t, okay? तो अगर thickness consider हो रहा है तो ये formula हो जाएगा, कुछ नहीं किया है diameter को replace करके diameter plus thickness add करके product को लिख दिया है, same जो भी यहाँ बताया था, ठीक है? तो ये हो गया आपका कौन सा केस है, इसमें क्या है दो ड्राइवर दो ड्रिवेन है, अगर चार ड्राइवर चार ड्रिवेन भी हो जाए तो आप डायरेक्ट रिलेशन कीजिएगा, जैसा लिखा क्या है जितना भी ड्रिवेन का प्रोडक्ट है और यहाँ हो जाएगा नीचे में प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर, सबको प्रोडक्ट करके डायरेक्ट कीजिए आंसर, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा, तो रेलवे में बहुत बार आ चुका है ये सब, ठीक है तो आप उसको ध्यान दीजिए, और इसी को हम एक और केस बता रहे हैं, देखिए यहाँ तो दो ड्राइवर दो ड्रिवेन केस था, अब यहाँ पे हम केस लिख रहे हैं चार ड्राइवर और चार ड्रिवेन का, बस इससे ऊपर आप लोगों को कभी नहीं आएगा, एक नया सीख लीजिए काफी है, सपोज ये क्वेश्चन है
मीन्स फर्स्ट पुली, यहां से पावर ट्रांसमिट हो रहा है इस पुली में, तो ये फर्स्ट पुली, ये सेकेंड हो गया, यहां से ट्रांसफर हो रहा है और फिर यहां से ट्रांसफर हो रहा है यहां, बस इतना ही कर सकते हैं। तो पुली वन, पुली टू, फिर पुली थ्री हो जाएगा, फिर पुली फोर, पुली फाइव, पुली सिक्स, और भी आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना काफी है। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज ये एन वन रोटेशन है, डायमीटर इसका डी वन है, इसका रोटेशन एन टू है, डायमीटर डी टू है, इसका रोटेशन एन थ्री है और डायमीटर डी थ्री है, इसका हो गया एन फोर, डी फोर, एन फाइव, डी फाइव, एन सिक्स, डी सिक्स। ओके, तो डायरेक्ट अगर आंसर करना होगा तो एन वन बाय एन सिक्स, मतलब वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट ड्राइवर एंड लास्ट ड्रिवन, दैट इज एन वन बाय एन सिक्स, उसको डायरेक्ट आंसर करना है कि डी टू इंटू डी फोर इंटू डी सिक्स डिवाइड बाय डी वन इंटू डी थ्री इंटू डी फाइव, और इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। अभी तो आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण बहुत सारे कॉलेज में क्लास बंद हो गया है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन सेवा स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग देखते रहिए, हर चैप्टर का वीडियो अवेलेबल होगा आपके यूट्यूब पे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलिए, जहाँ से भी हो सके आप लोग भी कॉपरेट कीजिए और घर बैठे ही पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।